हेलो फ्रेंड्स दिस इज सी अतुल मित्तल ऑथर ऑफ़ द बुक क्रक्स ऑफ इंडियन इकनॉमी फॉर आइस फिल्म एग्जाम फ्रेंड्स आज हम देखेंगे लीवरेज रेशियो देखिए फ्रेंड्स अभी हमने लास्ट क्लास में बेसल थ्री कैपिटल रेगुलेशन में कैपिटल एडिकी रेशियो देखा था कैपिटल कंजर्वेशन बफर देखा था काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर देखा था अब हम देखेंगे लीवरेज रेशियो देखिए टू में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो किस वजह से हुआ था वो एक्सेसिव लीवरेज की वजह से हुआ था कि बैंकों के एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा बैंकों ने लोन दे दिए थे तो बेसल थ्री कैपिटल रेगुलेशन ने बोला कि जो बैंकों का लीवरेज रेशियो है वो रिकमेंड किया थ्री परसेंट रिकमेंड किया बट आरबीआई ने क्वेश्चन लिया आरबीआई ने कहा नहीं इंडिया में बैंकों को थ्री पॉइंट फाइव परसेंट लीवरेज रेशियो मेंटेन करना है और डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक है इनको फोर परसेंट लीवरेज रेशियो मेंटेन करना है देखिए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक इंडिया में कौन से है आई एस बी आई बैंक है आईसीआईसीआई बैंक है एच डी एफ सी बैंक है ये वो बैंक होते हैं जो बहुत साइज में बहुत बड़े होते हैं और जिनकी काफी मतलब काफी असैड बहुत ज्यादा होती है इकोनॉमी पे इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है अगर ये बैंक डूब गए तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस बन जाएगा पूरी इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा तो आर तो आरबीआई क्या करता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक डिक्लेयर करता है तो इंडिया में बैंकों को थ्री लीवरेज रेशियो मेंटेन करना अब लीवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं लीवरेज देखिए हमने टीयर वन कैपिटल देखी थी तो टीयर वन कैपिटल डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपोजर बैंकों का टोटल जो एक्सपोजर है उससे डिवाइड कर देंगे टीयर वन कैपिटल हमने पढ़ी थी कैपिटल एडुकेशन रेशियो में अब सपोज देखिए टोटल अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल कैपिटल है थर्टी करोड़ की और टोटल एक्सपोजर है थाउजेंड करोड़ का तो लीवरेज रेशियो कितना आता है थ्री परसेंट आता है बैंकों को थ्री पॉइंट फाइव परसेंट मेंटेन करना है तो एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा है एक्सपोयर को आपको कम करना है आपने एक्सपोयर 200 से कम कर दिया 800 हो गया तो अब कितना हुआ अब 3.33 हुआ एट हंड्रेड किया तो जीरो आठ थी चौबीस और छ जीरो थ्री पॉइंट सेवन परसेंट हो गया यानी मेंटेन हो गया तो देखिए लीवरेज रेशियो फोर थ्री पॉइंट फाइव परसेंट मेंटेन कर रहा है आपका पहले थाउजेंड था एक्सपोयर कैपिटल थर्टी करोड़ थी तो थ्री परसेंट था तो आपका क्या है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कम है तो आपको एक्सपोयर को कम करना पड़ेगा तो लीवरेज रेशियो रखने का पर्पज यही है आपका एक्सपोयर कम रहेगा तो जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो आपके पास सफिशियंट कैपिटल है लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके बाद लिक्विडिटी कवरेज रेशियो देखिए फ्रेंड बेसल थ्री फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी अभी तक हम कैपिटल एडिक्वेसी पे देख रहे थे अब लिक्विडिटी पे बेसल के फ्रेमवर्क है एक तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो देखिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यह रेशियो कहता है कि बैंकों के पास थर्टी डेज के बराबर लिक्विडिटी होनी चाहिए थर्टी कैलेंडर डे के बराबर लिक्विडिटी होनी चाहिए तो लिक्विडिटी किस में होगी अनएनकम्बर्ड हाई लिक्विड एसेट तो बैंकों के पास इसका फॉर्मूला होता है एल सी आर इज इक्वल टू हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाई नेट कैश आउटफ्लो नेट कैश आउटफ्लो फॉर थर्टी डेज यानी आपके पास थर्टी डेज के बराबर कैश आउटफ्लो की कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है तो आपका ये LCR कितना होना चाहिए? 100%, 100 होना चाहिए चाहिए मोर देन और कि आप अगर कभी भी लिक्विडिटी क्राइसिस आता है तो आप उसको एब्जॉर्व कर सकते हो तो थर्टी डेज थर्टी कैलेंडर डे के बराबर आपके पास लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होना चाहिए अब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या होती है हाई क्वालिटी लिक्विड ऐसी एसेट होती है जिसको आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ये इजीली क्वालिट्रल के रूप में रख सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड लोग गोल्ड रखते हैं तो गोल्ड क्या हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है आप मार्केट में जाओगे गोल्ड को आप क्वालिट्रल के रूप में रख के या गोल्ड को आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो तो आप इजिली गोल्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या क्वालिट्रल के रूप में रख के लोन भी ले हो सकते हो इसके बाद है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो देखिए स्टेबल फंडिंग क्या होती है स्टेबल फंडिंग आपने देखा होगा कि बैंक के फंडिंग के सोर्स क्या होते हैं बैंक के पास कैपिटल आती है शेयर होल्डर की डिपोजिट डिपॉजिट आते हैं पब्लिक से कैपिटल क्या है लॉन्ग टर्म होती है स्टेबल फंडिंग है स्टेबल फंडिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म फंडिंग से तो आपकी कैपिटल क्या है स्टेबल फंडिंग है डिपोजिट है तो डिपॉजिट दो तरह के होते हैं शॉर्ट टर्म डिपोजिट है तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कौन से होते हैं डिमांड डिपॉजिट करेंट अकाउंट और सेविंग बैंक की डिपोजिट डिमांड डिपॉजिट होते हैं तो शॉर्ट टर्म डिपोजिट है वो स्टेबल फंडिंग नहीं होती लॉन्ग टर्म डिपोजिट आपके स्टेबल फंडिंग होते हैं तो नेट स्टेबल इसी तरह बोरोइंग आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली शॉर्ट टर्म आपने बोरो किया और लॉन्ग टर्म बोरो किया तो देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग है आपको एक साल के अंदर पैसा देना है और लॉन्ग टर्म को एक साल के बाद देना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म डिपोजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग सारी आपकी क्या होती है स्टेबल फंडिंग होती है तो इस नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कहता है बैंक को अपनी एक्टिविटी जो फंड करनी चाहिए वो स्टेबल सोर्स से करनी चाहिए कि बैंक टू फंड देयर एक्टिविटी विद मोर स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस देखिए रीजन क्या है रीजन क्या है जैसे आपके पास शॉर्ट टर्म फंडिंग है हंड्रेड करोड़ की और लॉन्ग टर्म फंडिंग है आपके पास हंड्रेड करोड़ की टोटल टू हंड्रेड करोड़ की है आपने लोन दे दिया आपने डेढ़ सौ करोड़ का क्या कर दिया लोन दे दिया फाइव ईयर के लिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया यानी आपने अपनी एक्टिविटी को फाइनेंस किससे किया है हंड्रेड करोड़ तो लॉन्ग टर्म से किया है फिफ्टी करोड़, तो करोड़ आपने शॉर्ट टर्म से किया है अब कल को ये शॉर्ट टर्म वाले पैसा मांगने आएंगे आपको एक साल के अंदर इनका पैसा रिटर्न करना है और आपका पैसा यहां पे ब्लॉक हो गया तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कहता है कि आपको अपनी एक्टिविटी जो है फंडिंग करनी है वो स्टेबल सोर्स से करनी है इसी तरह आप जैसे गोल्ड लेते हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कौन से पैसे को इन्वेस्ट करोगे शॉर्ट टर्म को आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो भाई शॉर्ट टर्म पैसा आया हमने गोल्ड और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जब भी रिफंड की जरूरत पड़ी हमने फटाफट इसको ईजिली कन्वर्ट कर दिया या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कॉलिटरल के रूप में रख दिया ईजिली तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो का फॉर्मूला है टोटल अवेलेबल स्टेबल फंडिंग और टोटल रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग ये मोर देन हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए यानी आपको अपनी एक्टिविटी स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस से करनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म फंडिंग है शॉर्ट टर्म फंडिंग को तो आपको एक साल के अंदर पैसा देना पड़ जाएगा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या है आपके जो एनपीए है एनपीए के अंगे आप क्या करते हो बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रोविजन बनाता है कि भाई आपके जो एनपीए जो डूब सकते हैं तो आप प्रोविजन क्रिएट करते हो तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बताता है कि भाई कितना फंड बैंक ने सेट असाइड कर लिया टू कवर दी लोन लॉसेस तो आरबीआई ने बैंकों को बोला है जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आप सेवेंटी परसेंट का प्रोविजन बना के रखिए जिससे कि जब स्ट्रेस के टाइम में आप इस पैसे को यूज कर सकते हो स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी देखिए डिमोनिटाइजेशन के समय क्या हुआ था तो मार्केट में एकदम से लिक्विडिटी हो गई थी लोग बैंकों में पैसा जमा कर रहे थे तो यूनियन बजट एटीन में आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और सेक्शन जिसमें आर बी आई ने स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी स्कीम को इंक्लूड किया स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी स्कीम में क्या होता है आर किसी से भी बैंकों से और एनी अदर पर्सन से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है रिपेविल विद इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ अभी क्या होता है आपको पैसा जमा करना है तो आप किसके पास जमा करते हो बैंकों में जमा करते हो आरबीआई के पास नहीं करते है? लेकिन ये आर को पावर दी गई है दूसरा बैंकों के पास जब एक्सेस मनी होती है लिक्विडिटी होती है तो वो क्या करते हैं रिवर्स रेपो पे आरबीआई के पास जमा करते हैं लेकिन उस केस में क्या होता है क्वालिट्रल देना पड़ता है आरबीआई को जब आरबीआई रेपो रेट पे बैंकों को लोन देता है तो बैंक क्वालिट्रल देते हैं और रिवर्स रेपो पे क्वालिट्रल लेते हैं आरबीआई से तो क्वालिट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लिक्विडिटी को क्या कर सकते हो ईजिली एब्जॉब कर सकते हो तो स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी स्कीम अभी आरबीआई ने इसका यूज नहीं किया है तो थैंक यू फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास पसंद आई हो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए बाकी आप ये जो नोट्स हैं वो आप आइए सेल्फ डॉट कॉम से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो ये मेरा मोबाइल नंबर है आपको कभी भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हो थैंक यू फ्रेंड्स